1965 में एक फिल्म आई थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी, स्टारिंग देवानंद, वहीदा रहमान, और फिल्म का नाम गाइड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गाइड। गाइड गाइड हिंदुस्तान की वो पहली फिल्म थी जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। हुआ ये कि हॉलीवुड के डायरेक्टर पोलिश अमेरिकन टेड डेनिवलिस्की ने राइटर नॉवेलिस्ट पर्ल एस बक के साथ देवानंद को अप्रोच किया कि भाई हम आपके साथ एक इंग्लिश फिल्म बनाना चाहते हैं। पहले तो देव साहब ने नानुकुर कर दी, उसके बाद फिर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिर मुलाकात हुई और इस बार उन्होंने इस थॉट को थोड़ा सीरियसली लिया और क्रिएटिव डिस्कशन करते हुए उन्होंने आर के नारायण के नॉवेल गाइड को सुझाया कि इसके ऊपर हम फिल्म बना सकते हैं। पूरी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। इसी बीच में देवानंद ने सोचा कि इसको हिंदी में भी बनाया जाए, थोड़ा सा एडाप्टेशन करके, थोड़ा सा चेंज करके। सब्जेक्ट इंग्लिश का जो नॉवेल है, जो ओरिजिनल नॉवेल है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट है। हिंदी में थोड़ा सा हिंदी के हिसाब से रखा गया है। ओरिजिनल सब्जेक्ट में एडल्ट्री और लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को दर्शाया गया है। इसके बावजूद देवानंद ने कहा कि थोड़ी बहुत चेंज करके, फेर बदल करके हिंदी में भी बनाऊंगा और इंग्लिश में भी बनाऊंगा। नॉवेलिस्ट राइटर पर्ल एस बक ने वहीदा रहमान को इंग्लिश के लेसन्स भी देने शुरू कर दिए थे, स्पीच के लेसन्स देने शुरू कर दिए थे, और डिसाइड हुआ कि इंग्लिश वर्जन की शूटिंग पहले की जाएगी, बाद में हिंदी। जब हिंदी फिल्म बनकर तैयार हुई तो हिंदी वर्जन एक सीन की वजह से अटक गया सेंसर बोर्ड पे। वो सीन था जब वहीदा रहमान का हस्बैंड शराब पी के गांव की लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, गांव की एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये सीन कट करना होगा, मगर हिंदी वर्जन के डायरेक्टर विजय आनंद और उनके बड़े भाई हीरो देवानंद का कहना था कि ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से वहीदा रहमान, जिसके कैरेक्टर का नाम था रोजी फिल्म में, इन्हीं हालात की वजह से वहीदा रहमान डिसाइड करती है कि वो राजू गाइड के साथ जाएगी और अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था और मेरे हिसाब से वो सही बात भी कर रहे थे। एक जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिफिकेशन तो बाहर के मुल्कों में भी ज़रूरी है है ना। एक स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाए बगैर किसी कारण के, या विज अवीज कि एक पति बगैर किसी कारण के अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए, तो थोड़ा सा आप कितना ही कह लें लेकिन आंखों में खटकता तो है। जब सेंसर बोर्ड को देवानंद ने बहुत समझाने की कोशिश की, सेंसर बोर्ड नहीं माना, तब देवानंद ने अप्रोच किया तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। उस जमाने में मिसेस गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करती थी भारत सरकार की, और प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री। बिल्कुल सही मृदुला जी, मंजुला जी ने, वेरी गुड, स्वागत है आपका मंजुला जी, थैंक यू मैम। तो इंदिरा जी ने अपने ऑफिस में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई, जहां उनके अलावा सिर्फ देवानंद मौजूद थे। उन्होंने पूरी फिल्म ध्यान से देखी। जब वो सीन आया जिस सीन पर सेंसर बोर्ड को ऑब्जेक्शन था, देखा उन्होंने और पीछे बैठे देवानंद की तरफ गर्दन घुमा के कहा, कम टुमारो आई विल क्लियर योर फिल्म। तो इस तरह इंदिरा जी की अप्रूवल के बाद गाइड हमारे थिएटर में रिलीज हुई। ये इत्तेफाक की बात है कि जब गुजरात में फिल्म रिलीज हुई तो गुजरात में उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था, और इस कहानी में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन को दर्शाया गया जो गुजरात के उस वक्त के हालात से मैच करता था। इसीलिए जब इस फिल्म को गुजरात में रिलीज किया गया तो पोस्टर्स में ये लिखा गया कि राजू गाइड बारिश के लिए, सूखा दूर करने के लिए, कि गुजरात में बारिश हो, फसल उगे, सूखा दूर करने के लिए, गुजरात की जनता को त्रास से बचाने के लिए राजू गाइड प्रार्थना कर रहा है। फिल्म रिलीज हुई
और सारे रिकॉर्ड तोड़ गई। और बहुत खूबसूरत फिल्म है, एस टी बर्मन का म्यूजिक है, शैलेंद्र के गीत हैं। चलते चलते एक बात और बता दूं आपको, इसमें किशोर कुमार का सिर्फ एक ही गाना है और वो भी डुएट है, गाता रहे मेरा दिल, मास्टरपीस कंपोजिशन। एस डी बर्मन की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसलिए गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल ये मुखड़ा उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने कंपोज किया है। बाद में जब दादा ने वर्क रिज्यूम किया तो अंतरे उन्होंने कंपोज किए। एक बात और बता दूं जो अभी अभी मुझे पता पड़ी है, बहुत सारी अफवाहें हैं कि रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना ये कंपोज किया था आराधना फिल्म के लिए आर डी बर्मन ने। जो दादा उस रिकॉर्डिंग में मौजूद थे, जिन्होंने टेक बजाया है, उन्होंने खुलासा किया है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त आर डी बर्मन स्टूडियो में तक में मौजूद नहीं था। सर गाइड फिल्म से वाला जो गाना है कांटों से खींच कर, जी जी जी, आज फिर जीने की तमन्ना है, उस गाने को शूट करने में कुछ 5-7 दिन लग गए थे, क्योंकि विजय आनंद जी इस गाने में लाइटिंग को लेकर बड़े शौकीन थे, और वो मतलब उदयपुर से लेकर चित्तौड़ के पूरे रास्ते में उन्हें शूट करना था, और उन्होंने मतलब पर्टिकुलर मिनट शूट करने से पहले काउंट कर रखी थी यहाँ पे कितने टाइम की लाइट मिलेगी। अरे वाह, आपकी जानकारी, आपका नाम क्या है? खुशवेंद्र। अरे खुशवेंद्र के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। ये होता है प्रोग्राम को डेकोरेट करना, ऐसी ऑडियंस अगर आए गए, ऐसे श्रोता हमारे स्टूडियो में आए। खुशवेंद्र थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।